न्यूज और मैं हूँ आप सबकी होस्ट तृप्ति। इस वक्त लेकर आई हूँ आपके लिए बड़ी खबर। जिस तरह से आप जानते ही हो, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस की तरफ से सुप्रीमो और अध्यक्ष तक सोनिया गांधी राहुल तक पूरी तरह से जोश में है। इस बार सीएम योगी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस की पार्टी की तरफ से दावेदार को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इन सबके बीच भ्रष्टाचार और करप्शन मामले को लेकर लगातार ही निशाने पर कांग्रेस फिर है। कांग्रेस को लेकर एक बड़ी खबर आई है। कांग्रेस पार्टी से जरूर भले नाता ना हो, कांग्रेस की तरफ से भले ही कभी खुलकर ना बोलते हो, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का नाता कांग्रेस पार्टी के साथ इनडायरेक्टली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने वाली उनकी अपनी पत्नी प्रियंका गांधी खुद भी उनकी जिंदगी में जब से आई है, उन्हें बॉलीवुड से ही ज्यादा इस वक्त देखा जाए तो लाइमलाइट में देखा गया। बॉलीवुड स्टार्स की तरह वो लाइमलाइट में रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, अब उनके पैसों को लेकर, उनकी संपत्ति, धन जायदाद और घर को लेकर किस तरह से क्रिटिसिज्म का उन्हें सामना करना पड़ा जब कानून ने हाथ लंबे किए और उन्हें पकड़ लिया। जानिए इस खास रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा के अतीत का सच। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपनी नीतियों को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से गर्मजोश में है, चुनाव को लेकर काफी ज्यादा देखा जाए तो इस वक्त लोगों के बीच चर्चा का विषय प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट ही नहीं, महिला योजनाओं को लेकर बल्कि गठबंधन को लेकर उनका इशारा करना भी है। बीजेपी के खिलाफ गठबंधन करके नई सरकार बनाने के लिए प्रियंका गांधी तैयार हो सकती है, उन्होंने इस पर इशारे भी किए। आज हम प्रियंका गांधी के बारे में तो बात करेंगे ही, प्रियंका गांधी के हस्बैंड के बारे में बात करेंगे। प्रियंका जहां एक तरफ राजनीति में पिछले कई सालों से सक्रिय हैं, सीएम फेस को लेकर उन्होंने कई तरह के कमेंट्स का सामना किया है। अब इन सब के बीच देखा जाए तो प्रियंका गांधी का अपने पति के साथ रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म में रहना चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, विवादों में रॉबर्ट वाड्रा का नाम सालों से रहा है। हमने आपको बताया जमीनी विवाद के कारण प्रियंका गांधी के हस्बैंड कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना कर चुके हैं, भ्रष्टाचार मामले में उनका नाम कई बार दर्ज हुआ है। और ऐसे में साल 2019 में जब राजस्थान के हाईकोर्ट ने वाड्रा के खिलाफ और प्रियंका गांधी के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ और प्रियंका गांधी की सासू माँ मॉरिन के खिलाफ समन नोटिस भेजा 2015 के इल्लीगल जमीनी केस को लेकर, तो फिर से ये मामला बढ़ता चला गया। क्या आपको मालूम है कि कितनी बड़ी विवादित जिंदगी रही है रॉबर्ट वाड्रा की, पॉलिटिकल नहीं बल्कि गैर कानूनी मामलों को लेकर? बहुत कम ही लोग ये जानते हैं। आज इस बारे में बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में। मॉरिन वाड्रा और राजेंद्र वाड्रा के बेटे, जो कि खत्री पंजाबी फैमिली के जन्म लेने के बाद जिस तरह से मुरादाबाद से आगे बढ़ते चले गए, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उनके पिता का ताल्लुकात है, वही मदर उनके स्कॉटिश है। ऐसे में उनके पिता सिविल लाइन्स की बात की जाए तो मुरादाबाद के सिविल लाइन में रहे हैं। प्रियंका गांधी के ससुर जी सिविल लाइन्स में रहे हैं, जिन्होंने वुड और ब्रास का बिजनेस हैंडीक्राफ्ट्स का चलाया। फैमिली जो है वैसे तो ओरिजिनली पाकिस्तान का है, लेकिन इंडिया में पार्टीशन के दौरान ये यहाँ सेटल हो गए। ब्रदर का नाम है रिचर्ड, जो कि हमेशा के लिए गुजर गए। क्या आप सबको मालूम है इस खास रिपोर्ट में जो बताने जा रहे हैं हम रॉबर्ट वाड्रा के बारे में, ये बात बहुत कम ही लोगों को मालूम है। रॉबर्ट वाड्रा हाई स्कूल एजुकेटेड ही है वॉल स्ट्रीट जर्नल के अकॉर्डिंग, और उन्होंने बताया जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कई तरह की अफवाहें भी उड़ी हैं और कुछ गलत कारणों की वजह से ऐसा रॉबर्ट वाड्रा के साथ होता रहा है कि एलिगेशंस का सामना उन्होंने किया है। जी हाँ, ये उनके परिवार वाले कहते हैं कि उनका राजनीति की तरफ रुझान नहीं रहा, बिजनेस की तरफ ज़्यादा रुझान रहा है। कॉन्ट्रोवर्शीज में सालों रहे, कानूनी केस में सालों फंसने वाले रॉबर्ट वाड्रा को गलत कारणों की वजह से मीडिया की लाइमलाइट का हिस्सा हमेशा बनना पड़ा है। खैर, यहाँ आपको बताना चाहेंगे रॉबर्ट वाड्रा की जिंदगी के काले राज। जी हाँ, जिसकी वजह से
गांधी परिवार को काफी ज्यादा अपनी खराब इमेज का सामना करना पड़ा। इमेज तो गांधी परिवार की भी खराब, रॉबर्ट वाड्रा के प्रॉपर्टी वाले मामले की वजह से करोड़ों रुपए के जमीनी विवाद में रॉबर्ट वाड्रा फंसे, और इसे लेकर रियल इस्टेट बिजनेस जो उनका था उसके सपोर्ट को लेकर वो इल्लीगल मामले में फंसे थे। उनके कई बिजनेस डील्स थे जिसके कारण कॉन्ट्रोवर्शी हुआ और ग्रे शेड उनकी लाइफ का ये हिस्सा बना। रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कहा जाता है कि एक्सप्लेनेशन उन्होंने विवादों पर दिए, सोशल मीडिया पर उन्हें प्रूव करना पड़ा कि वो सही है। न्यूज़पेपर्स में रॉबर्ट वाड्रा की ज़िंदगी के कई किस्से मशहूर हैं। क्या आपको मालूम है कि गांधी परिवार से ताल्लुकात होने की वजह से भी उनकी ज़िंदगी का हर हिस्सा मीडिया की लाइमलाइट का हिस्सा बना। रॉबर्ट वाड्रा की बात की जाए तो साल 2012 से पहले अलग जिंदगी थी। बैकग्राउंड में दिखते थे रॉबर्ट वाड्रा, लेकिन टारगेट में रहे हैं अपोजिशन पार्टी के वो। साल 2012 के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के एलिगेशंस उनके खिलाफ थे, जी हाँ, और इसके बाद राजनीति कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बढ़ती ही चली गई। स्पोक पर्सन कांग्रेस पार्टी के खूब उन्हें डिफेंड करते नजर आए, सॉफ्ट टारगेट बनाए गए रॉबर्ट वाड्रा, ये भी कहा गया। उनके ब्रदर इन लॉ यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बात की जाए तो उनके कंपेन के दौरान जब रॉबर्ट वाड्रा दिखाई दिए, सासू माँ सोनिया गांधी के साथ जब वो दिखाई दिए, ऐसे में तमाम तरह के कांग्रेस लीडर्स के साथ जब कंपेन का वो हिस्सा बनने लगे चुनाव प्रसार के दौरान, तो विधानसभा चुनाव के बीच एक बफर से उनके अतीत के काले राज सामने आ रहे। दरअसल ईडी ने 2 दिन के इंट्रोगेशन के लिए रॉबर्ट वाड्रा को एक बार बुलाया था। उनके विदेश में धनराशि जमा थे उसे लेकर, जो वॉर्म्स के केन थे उसे लेकर आपको बताना चाहेंगे। लंदन और यूएई में स्पॉट किए गए थे वो के बिजनेस को लेकर। ईडी ने 8 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी लंदन में उनके घर को लेकर, 6 फ्लैट्स थे उनके, इसके बारे में उनसे पूछा गया था कई सवाल। रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बताया जा रहा है कि गैर कानूनी काम की वजह से वो मुसीबत में फंसे थे। संजय भंडारी उनके साथ उनके डील थे कई तरह के गैर कानूनी, यूएई बिजनेसमैन सीसी थाम्पी के साथ भी गैर कानूनी मामले में वो फंसे थे। और तो और बताया जाता है कि कई और कंपनी थी जिसे लेकर उनके खिलाफ ईडी ने कई तरह के चार्जेस भी लगाए थे। $1 मिलियन की संपत्ति को लेकर वो मुसीबत में फंसे थे। लंदन में उनकी जो संपत्ति रही उसे लेकर उन्हें ईडी के सामने मनी लॉन्ड्रिंग केस का भी सामना करना पड़ा, जी हाँ। ब्रियनस्टन स्क्वायर वर्थ 1.9 मिलियन पाउंड्स की उनकी संपत्ति थी, इसे लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके खिलाफ दर्ज हुआ था। और भी इसके अलावा 4 मिलियन पाउंड्स और 5 मिलियन पाउंड्स की प्रॉपर्टी थी, और कई ऐसे फ्लैट थे रॉबर्ट वाड्रा के नाम जिसे लेकर उनके खिलाफ साल 2005 से लेकर साल 2000 तक की प्रॉपर्टी को लेकर उनसे पूछताछ हुई। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। और पेट्रोलियम डील की बात की जाए, उस दौरान भी साल 2009 में यूपीए रेजमी के वक्त उनके लिंकअप की खबरें आई थी। इतना ही नहीं, लंदन की प्रॉपर्टी को लेकर सबसे ज़्यादा वो गैरकानूनी मामले में फंसे थे। साल 2010 में FIR रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ किया गया था, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भूपिंदर सिंह हुड्डा के भी खिलाफ, जो कि करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में फंस गए थे सितंबर के महीने में, और इंडियन पैनल कोड 1860 के सेक्शन के अंदर उनके खिलाफ कई चार्जेस लगे थे। तो आपने जाना आज के शो में रॉबर्ट वाड्रा के बारे में। फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।